नमस्कार, मैं हूं बादल और आप देख रहे हैं मेरा हैप्पी केयर चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई से नई वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज हम किरोस्कर का एग्रीकल्चर मोटर जिसमें हम बेयरिंग बदलने वाले हैं मात्र 80 रुपये में। तो आप देख सकते हैं बेयरिंग कूलर की सहायता से ऊपर में जो 6201 नंबर का बेयरिंग लगा हुआ है उसको हमने खोल के बाहर कर लिया है। और ये जो आप देख सकते हैं जो मोटर साइड जो पंप साइड होती है उसका जो हम इसका नट खोल रहे हैं ये 17 नंबर की नट लगी हुई रहती है ये किरोस्कर में। तो इसको हमको 17 नंबर के रिंच से खोल के चार नट लगे हुए रहते हैं चारों को बाहर निकाल लेना है तब जो फ्रंट का पंप है वो अलग हो जाएगा और उसके बाद इंपेलर हटा के सील हटा के तब हमारा बेयरिंग बाहर आएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले दो नट जो है वो हमारी खुल चुकी है और दो नट बाकी है तो उसको भी हम लूज करके हाथों के सहारे इस तरह से आराम से निकल आएगा। तो ये तीसरा नंबर भी हमारा निकल चुका है। अब रहा चौथे की बारी। तो ये देख सकते हैं ये चौथा नंबर भी हमारा आराम से निकल आया है, इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं तो इसको हथौड़े की सहायता से धीरे धीरे ठोक के बाहर कर लेना है। तो देख सकते हैं ये फ्रंट जो चेचिस होता है वो बाहर हो गया है पंप साइड का, जिधर हमारा पंप लगा हुआ रहता है वो साइड देख सकते हैं फ्रंट ये हमारा बाहर हो चुका है जिसमें सेक्शन पाइप लगता है। आप देख सकते हैं ये चार बोल्ट लगे हुए रहते हैं उसमें, ये सील है हमारा। तो इस तरह से ये हो गया है ये शाफ्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरफ फ्रंट में जो देख रहे हैं इसको इंपेलर बोलते हैं और ये जो मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ ये सील है, इधर से पानी को इधर पार होने नहीं देगा कोयल साइड, इसलिए इस तरह प्लास्टिक का एक वाशर लगा के इसको एक सील टाइप का बनाया जाता है ताकि पानी पंप से होके कभी लीक हो तो पंप से होके वो रॉड के सहारे से कोयल टाइप कोयल साइड में ना आ जाए। और ये देख सकते हैं आप कटिंग इंपेलर में इस तरह से राइट साइड घुमाएंगे तो पानी को ऊपर की तरह फिर प्रेशर के से भेजता है जिससे कि पानी बहुत प्रेशर से ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं ये चूड़ी टाइप वाला इंपेलर है, इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाहर निकाल लेना होगा क्योंकि क्लॉकवाइज ये टाइट होती है। तो इसको निकालने के लिए हमको एंटी क्लॉक वाइज इसको किसी पेचकस की सहायता से घुमाना पड़ेगा और पीछे शाफ्ट को हमें प्लास की सहायता से पकड़ना पड़ेगा तब जाके ये देख सकते हैं इस तरह से प्लास और इस तरह से पेचकस। इस तरह से आप एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमाते जाइए ये आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो किसी आगे का जो हिस्सा फ्लैट है पेचकस का वैसा पेचकस लगाइए आराम से ये निकल जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट जो एंटी क्लॉक है आप घुमाते जाइए आराम से ये निकल आएगा जहाँ तक चूड़ी है उसके बाद बाहर निकल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सील और ये है हमारा इंपेलर जो कि पानी का प्रेशर बनाता है और जो आउट सेक्शन होता है उसमें बाहर फेंकता है। तो देख सकते हैं ये कटिंग जो राउंड सर्कल बना हुआ है इसी में पानी इसके अंदर घुसता है और ऊपर की तरफ जब ये राउंड घूमता है तो ऊपर की तरफ फेंकता है। ये देख सकते हैं पीछे में चूड़ी बना हुआ है जो कि शाफ्ट में टाइट करने के लिए और इस तरह का देख सकते हैं बनावट होता है इंपेलर का। तो सभी मॉडल में अलग अलग तरह के इंपेलर लगे हुए रहते हैं। ये है हमारा सील जो कि 12 mm का लगा हुआ है, 12 नंबर बोल सकते हैं। तो ये सील रबड़ है जिसमें स्प्रिंग की सहायता से इंपेलर को टाइट किया हुआ रहता है और ये पीछे लगी हुई पत्थर पे चलता है जिससे कि पूरा एयर पैक हो जाता है और पानी को बाहर निकलने नहीं देता है और अंदर में प्रेशर बना के
पानी को आउट करता है, सेक्शन पाइप के जरिए खींचता है और आउट करता है। ये 12 नंबर का हमारा सील रबड़ है, देख सकते हैं। अब हमको निकालना है इसका शाफ्ट को बाहर ताकि हम बैरिंग बदल सकें। तो अब देख सकते हैं ये सील पत्थर इस तरह का गुलाबी जो पिंक दिख रहा है वो हमारा सील पत्थर होता है। तो चलिए इस तरह से इसको ठोकेंगे तो हमारा जो है बैरिंग बाहर आ जाएगा। तो चलिए नीचे में ले जाके किसी लकड़ी पे रख के इसको हमें जोर जोर ठोकना है। अगर आप किसी लोहा से चोट करेंगे तो इसका सामने का थ्रेड ख़राब हो जाएगा, इसलिए लोहा से हमें चोट करना नहीं है, हमें इसको लकड़ी में उल्टा रख के और ठोक देना है ताकि ये हमारा जो बैरिंग है 6203 वो बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ती है ज़ोर से, क्योंकि बहुत हेवी फिक्स होता है ये, बहुत ही आराम से नहीं निकलेगा। तो चलिए दिक्कत हो रहा है तो इसका शाफ्ट को हम ये जो इसका स्टेट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं जिसमें हमारा नट लगती है। तो इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि बहुत आसानी हो जाए, और अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये परेशान करेगा, बिना बाहर निकाले ये आप बेयरिंग बदल नहीं सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बेयरिंग होल्डर है, इसमें बेयरिंग लगता है और ये साइड जो देख रहे हैं ये फ्रंट साइड, ये बीच में हमारा ये लगता है जो सील हमने बताया था जिससे पानी मोटर के साइड आने नहीं देता है। तो इसको सील को प्लास्टिक का जो सील होता है उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट साइड और ये शाफ्ट का फ्रंट साइड, तो इसमें बैरिंग लगा हुआ है 6203। तो इसका जो लंबा कूलर है, लंबा कूलर अभी अवेलेबल नहीं है तो इसको हम थोड़े से चोट देके इसको खोलेंगे। तो इस तरह से आप हथौड़ा से इसको चोट करते जाएं और ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि सामने का जो शाफ्ट है वो डैमेज ना हो, तो इसको राउंड कर करके ठोक ठोक के बाहर निकालते जाइए, बिल्कुल आराम से ये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी बाहर आ चुका है और हमने पहले 6201 भी बाहर निकाल चुका था। तो ये हमें 6203 नंबर का बेयरिंग है, अभी इसको हमको नया लेके लगाना है। तो ये बेयरिंग और 6201 बेयरिंग, 6203 और 6201, ये लगभग हमारा दोनों मिला के ये 70-80 रुपये में दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह से हमको दोनों बेयरिंग लेके और बदल लेना है। तो बदलने से पहले कोई भी आप खोलते हैं तो जो बेयरिंग का नंबर है उस बेयरिंग का नंबर को पहले आप देख लें और वही सेम नंबर का बेयरिंग आप लगाएं, क्योंकि दूसरा बेयरिंग इस पे लगेगा नहीं। और बेयरिंग जब भी मोटर में लगाएं तो बढ़िया कंपनी का लगाएं जिससे इसकी लाइफ बनी हुई रहे। तो ये देख सकते हैं नया बेयरिंग जिसका नंबर है 6203, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा SCH क्या है 6203। तो इसको हमको फ्रंट साइड लगाना है 6203। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको इसके ऊपर रख के और किसी पाइप की सहायता दीजिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लगा लेना है जो फ्रंट साइड से आपने खोला था, फ्रंट साइड में ही आपका 6203 नंबर का बेयरिंग लगेगा। और इस तरह से किसी का कोई पाइप या कोई भी आपको व्यवस्था मिले उससे आपको ठोक लेना है। तो जब तक आप पूरा ये नहीं जाएगा, पूरा जाने पे इसका आवाज़ चेंज हो जाएगा, ये ज़्यादा जोर आवाज़ करने लगता है। तो इस तरह से आप इसको जान सकते हैं कि चलिए इस तरह से हम इसको फिट करते हैं। तो हमारा एक साइड का जो बेयरिंग है वो अपने स्थान पे आ चुका है, बिल्कुल इस पे गैप नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप जब फिटिंग करेंगे तो आपको परेशानी आएगी। अब हमें लगा लेना है 6201,
जो कि पीछे साइड की होती है, उसको तो आप बाद में भी लगाएंगे तो आप आराम से लग जाएगा। तो देख सकते हैं ये स्लॉट होल्डर जो है, स्लॉट बने हुए हैं जो कि पंप साइड वाले में, तो उसमें आपको इसको लकड़ी की सहायता से ठोक देना है ताकि पूरा बेरिंग अपने स्लॉट के अंदर चला जाए। अगर बाहर रहेगा तो फिटिंग करेंगे तो आपको परेशानी होगा और बाद में आपको ठोकने भी नहीं बनेगा, तो इसलिए पूरी तरह स्लॉट के अंदर इसको पहुँचाएँ, बाहर ना छोड़ें, और इसको घुमा कर देखें कि आवाज़ कहीं बेरिंग की आवाज़ तो नहीं है, ठोकने में गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो इस तरह से हमारा जो 6203 का बेरिंग है वो लग चुका है। अब इसमें हमको 6201, देख सकते हैं ये 6201 की बेरिंग है, इसको भी हमको इस तरह से देख सकते हैं। हमारे पास एक पुराना प्लग रिंच पड़ा हुआ है, अभी हम इस प्लग रिंच की सहायता से इस 6201 वाले बेरिंग को ठोक के अंदर कर देंगे, तो ये अपने स्थान पे अगर जाएगा तो इसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, ज़्यादा ज़ोर आवाज़ करने लगेगा और जब तक स्थान से ऊपर रहेगा तो ज़ोर नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको घुमा के चेक कर लेना है। तो उसके बाद थोड़ा सा लुब्रिकेंट मोबिल हमें इसमें सील के ऊपर में हल्का सा लगा लेना है ताकि स्मूथली घूमे, तो हमारा सील जल्दी घिसेगा नहीं और एयर पैक बनाए हुए रहेगा। तो इसके बाद हमें सील को लगा लेना है। आप देख सकते हैं 12 mm का जो सील हमने खोला था उसको लगा के उसके ऊपर से एक वाशर दे के, स्प्रिंग वाला वाशर, और इस तरह से इम्पेलर को हमें राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाते रहना है जब तक कि ये टाइट ना हो जाए। तो जितना हाथ से जा सकता है उतना हमें घुमा लेना है और उसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हमें टाइट करना है। एक प्लास लेके हमको शाफ्ट को पकड़ के और स्क्रू ड्राइवर से हमें राइट साइड में इसको घुमाना है ताकि पूरी तरह से ये फिक्स हो जाए और बीच में ये खुले ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम प्रेशर दे रहे हैं, तो आगे में जो स्क्रू ड्राइवर है उसका हिस्सा फ्लैट होना चाहिए तब ये सही से एडजस्ट करता है। तो इसको वाशर को लगाना हम भूल चुके हैं क्योंकि हमें जो अंदर में प्लास्टिक वाशर लगा हुआ था वो लगाने समय याद से उतर गया। तो चलिए इसको खोल लिया है और खोलने के बाद में आप देख सकते हैं ये शाफ्ट में हमको घुसा देना है बीच से, दोनों जो बॉडी है हमारा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो प्लास्टिक का वाशर है हम लगाएंगे शाफ्ट के बीच में और इस तरह से हमारा जो पानी है पीछे तरफ आने नहीं देगा जो कि कोयल के तरफ नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से हमको लगा के फिर से इसको ठोक लेना है ताकि ये अपनी जगह पे बिल्कुल आसानी से जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंदर चला गया है और फिर से हमें सील को लगा लेना है, फिर तेल डालने की आवश्यकता नहीं है, लुब्रिकेंट, फिर वाशर को लगाइए, उसके बाद इसका जो इम्पेलर है इसको चूड़ी बैठा के और इसको राइट साइड में टर्न कीजिए जितना दूर तक ये जा सके और पूरी तरह से ये चला गया। उसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको पूरी अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो अब देख सकते हैं कि ये हम एक फ्लास ले लेना है जो कि शाफ्ट को पकड़ा हुआ रहेगा और ये देख सकते हैं इस तरह से हमें इम्पेलर को राइट साइड में टर्न करना है क्लॉकवाइज ताकि अच्छी तरह से ये पूरी अपनी जगह में फिक्स हो सके और चलते समय ये खुल के ना निकले, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आपको घुमा के भी देख लेना है कि कितना इसमें घूम रहा है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट है चाहे बहुत ज़्यादा लूज है तो भी प्रेशर नहीं बनाएगा, टाइट ज़्यादा है तो कोयल को ज़्यादा ताकत लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो फ्रंट साइज का जो बॉडी है चेचिस, इसमें हमको ग्रीस लगा लेना है ताकि जो एयर है किसी भी तरह से ये बाहर ना जा पाए, अगर एयर बाहर जाएगी तो प्रेशर कम बनेगा और पानी का प्रेशर जो है बाहर कम फेंकेगा। तो पूरे राउंड सर्कल में ग्रीस लगा लेना है और ग्रीस को अच्छी तरह से आप लगा लें ताकि इसका जो है एयर पैक में काम देगा ये, जब आप लगाएंगे इसके पीछे वाले साइड को तो
पूरी तरह से पैक कर देगा, एयर को अंदर बाहर आने नहीं देगा, तो ये फिर आपको परेशानी नहीं होगी इसको चलाने में। तो सभी तरफ से बढ़िया से इसको वॉशर को, ये ग्रीस को आप लगा लें जिस तरह से मैंने लगा लिया है, और बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना है, जितना हो सकता है उतना ही लगाइए। और इसमें जैसे जैसे धूल मिट्टी बाहर से पड़ेंगे वो और भी ज़्यादा पैक होते जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने में ही आपका लीक नहीं होगा। और ये देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है हमारा। अब फ्रंट साइड को हम इसको लगाएंगे, जो इसका ऊपर का हैंडल है जहाँ से पानी एग्जिट करता है। और आप देख सकते हैं जो बैक साइड में नीचे का स्टैंड बना हुआ है उसको निचला हिस्सा में रखें, जहाँ पर दो कट दिख रहे हैं नट बोल्ट टाइट करने के लिए। तो जो 17 नंबर का नट और स्प्रिंग वॉशर हमने खोला था, बारी बारी से सबको आप हाथों से हल्का हल्का सबको बराबर टाइट कर लें। उसके बाद स्क्रू से जब ये रिंच से टाइट करेंगे तो सभी को आप राउंड सर्कल में टाइट करें, क्योंकि एक साइड ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूटने की संभावना बनी हुई रहती है, इसीलिए इसको घुमा घुमा के टाइट आप कीजिए। एक साइड को एक बार में पूरी तरह से टाइट करके फिक्स नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसमें हमारा जो मुख्य कार्य था बैरिंग बदलना, तो हमने दोनों बैरिंग को बदल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी फिटिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फील्ड होते हैं उसमें काफ़ी संभावनाएं रहती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अच्छी काम को सीख के। और जितना अच्छी तरह से इसका काम आप जानेंगे, वर्क को जानेंगे, तो उतना अच्छा आप कार्य कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो अच्छी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम है उसको सीखने के लिए मेरे चैनल पे बने हुए रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके बाद मैं माइक्रो ओवन की नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, तो जिसमें आप अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, आपका इंडक्शन, और जितने भी तरह के मोटर हैं, समरसिबल, टुलू पंप, सभी मैं काम करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।